हेलो स्टूडेंट्स, आज हम EE210 एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट में हमारी यूनिट चल रही है फाइनेंशियल सोर्सेज फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसमें हम टाइप्स ऑफ लोन डिस्कस कर रहे थे, तो आज जो हम लोन डिस्कस करेंगे वो तीन तरीके के हैं। पहला है लोन फॉर होटल्स एंड टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ या होटल उद्योग सहायता योजना। दूसरा जो लोन है वो है सैमफैक्स लोन। और जो तीसरा टाइप का लोन है वो है लोन फॉर टेक्नोक्रेट्स। तो सबसे पहले हम लोन फॉर होटल्स एंड टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ पे चलते हैं। होटल उद्योग सहायता योजना। देश के पर्यटन के मानचित्र पर राजस्थान अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाता जा रहा है। पर्यटन के विकास के लिए उत्तम एवं सुविधायुक्त होटलों को उपलब्ध कराने के लिए निगम इस योजना के अंतर्गत उद्यमियों को सहायता देता है। राज्य वित्त निगम इस योजना के अंतर्गत नए होटल, मोटल, रेस्टोरेंट की स्थापना के लिए, अन्य पर्यटन संबंधी क्रियाओं के लिए विद्यमान होटल एवं रेस्टोरेंटों के विस्तार एवं नवीनीकरण हेतु इनमें संयंत्र, उपकरण, वातानुकूलन एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो निगम जो है इसमें नए होटल की स्थापना के लिए या रेस्टोरेंट की स्थापना के लिए, कोई और पर्यटन संबंधी क्रियाओं के लिए, अगर कोई होटल पहले से विद्यमान है या रेस्टोरेंट विद्यमान है तो उसके नवीनीकरण के लिए और उसमें जो भी संयंत्र, उपकरण या वातानुकूलन या अन्य जो भी सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अब इस लोन की कुछ शर्तें हैं, जैसे इस योजना में ऋण के हकदार वह होटल होंगे जिनमें कम से कम 10 कमरे हों, जिनमें भी न्यूनतम आधे कमरे वातानुकूलित होना आवश्यक है। तो इस योजना में लोन के लिए जो मिनिमम एंट्री है वो ये है कि जो होटल में कम से कम 10 कमरे होने चाहिए, उनमें भी कम से कम आधे कमरे यानी कि 5 कमरे वातानुकूलित होना आवश्यक है। ऋण की अधिकतम सीमा 90 लाख रुपये, 30 लाख रुपये इकाई के आधार पर या इकाई के आकार पर निर्भर करती है। तो जो ऋण की सीमा है वो 90 लाख रुपए है या 30 लाख रुपए है वो इकाई के आकार के ऊपर निर्भर करती है। प्रवर्तक अंशदान कुल परियोजना लागत का 25% होता है। तो ये प्रवर्तक का अंशदान है वो कुल परियोजना लागत का 25% होता है। ऋण का पुनर्भुगतान 10 वर्ष की अवधि में किया जाना चाहिए। तो जो पुनर्भुगतान का समय है वो 10 वर्ष है। ऋण आवेदन पत्र की स्वीकृति हेतु राज्य के पर्यटक निदेशक से अनापत्ति प्रमाण पत्र, प्रस्तावित होटल की स्थापना हेतु एवं भवन योजना का स्थानीय निकाय से अनुमोदन होना आवश्यक है। तो ऋण के आवेदन पत्र की स्वीकृति के लिए जो राज्य का पर्यटन निदेशक है वहाँ से अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए, जो भी हमें होटल स्थापित करना है, जो भवन योजना का स्थानीय निकाय से अनुमोदन होना भी जरूरी है। तो ये इसकी शर्तें हैं। तो ये लोन फॉर होटल एंड टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए था, या होटल उद्योग सहायता योजना। इसके बाद जो अगला लोन है वो है सैमफैक्स लोन या सैमफैक्स योजना। यह योजना भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वरोजगार प्रदान करने के लिए लागू की गई है। तो ये जो योजना है ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए है ताकि उनको स्वरोजगार मिल जाए। यह योजना भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत संचालित पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा प्रवर्तित है। तो ये जो योजना है ये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारत सरकार का जो रक्षा मंत्रालय है उसके अंतर्गत संचालित पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा प्रवर्तित है।
इस योजना को क्रियान्वयन राज्य वित्तीय निगमों द्वारा किया जाता है। तो इस योजना का जो क्रियान्वयन है वो जो राज्य के वित्तीय निगम है उनके द्वारा किया जाता है। अब इसमें जो शर्तें हैं वो इस प्रकार से हैं, सभी भूतपूर्व सैनिक, विधवा जो भूतपूर्व सैनिकों की हैं सहित इस योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्ति के हकदार हैं। तो जो सभी भूतपूर्व सैनिक हैं या जो भूतपूर्व सैनिकों की विधवा हैं वो इस योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्ति के हकदार हैं। योजना में मियादी ऋण 75% तक एवं कार्यशील पूंजी ऋण 15% कुल परियोजना लागत का दिया जाएगा। तो जो मियादी ऋण है वो 75% तक और जो कार्यशील पूंजी ऋण है वो 15% कुल परियोजना लागत का इसमें दिया जाएगा। प्रवर्तक अंशदान कुल परियोजना लागत का 10% इसमें होता है। ऋण का पुनर्भुगतान अधिकतम 5 वर्षों में किया जाएगा। तो जो पुनर्भुगतान का समय है वो 5 वर्ष है। इस योजना में उद्यमियों को तकनीकी सलाह देने की भी व्यवस्था है। तो अपना अगर टेक्निकल गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए भी इसमें फैसिलिटी है कि टेक्निकल हेल्प मिल जाए या टेक्निकल गाइडेंस मिल जाए उद्यमियों को। तो ये सैमफेक्स लोन का भूतपूर्व सैनिकों के लिए। इसके बाद जो अगला लोन है वो टेक्नोक्रेट्स के लिए है या तकनीशियनों के लिए ऋण है। तकनीशियनों को स्थायी परिसंपत्ति पर बिना सीमांत एवं प्रतिभूति के 5 लाख रुपए तक का ऋण स्वीकृत किया जाता है। प्रवर्तक अंशदान परियोजना लागत का 17.5% होगा एवं ऋण का पुनर्भुगतान 10 वर्ष की अवधि में करना होगा। तो ये 5 लाख रुपए तक का ऋण तकनीशियनों को मिलता है और इसका जो पुनर्भुगतान है वो 10 वर्षों में करना होता है। इसके अलावा कुछ और ऋण हैं, जैसे लोन फॉर स्मॉल हॉस्पिटल्स नर्सिंग होम्स, यानी कि लघु चिकित्सालय नर्सिंग होम्स हेतु ऋण योजना। जो छोटे अस्पताल हैं या नर्सिंग होम हैं उनके लिए भी लोन की सुविधा है। इससे चिकित्सक अपने रोगियों को आधुनिकतम चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर सके, इसके लिए निगम ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा प्रवर्तित नर्सिंग होम्स योजना को अपनाया है। इस योजना के अंतर्गत निगम चिकित्सकों को आधुनिक स्वचालित विद्युतीय उपकरणों की खरीद के लिए उदार शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराता है। इस योजना में वित्तीय सहायता अधिकतम 90 लाख रुपये 30 लाख रुपये इकाई के आकार के अनुसार प्रदान किया जाता है और जो ऋण का पुनर्भुगतान है वो हमें 10 वर्षों में किया जाना है। तो इस योजना के अंतर्गत जो चिकित्सक हैं उनको आधुनिक स्वचालित विद्युतीय उपकरण को खरीदने के लिए उदार शर्तों पर ऋण दिया जाता है और जो लिमिट है वो 90 लाख रुपये अधिकतम 30 लाख रुपये इकाई के आकार के अनुसार है और जो ऋण का पुनर्भुगतान है वो 10 वर्षों में किया जाता है। इसके बाद लोन टू SC/ST एंटरप्रेन्योर्स या अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमियों के लिए भी ऋण योजना है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उद्यमियों को स्थायी संपत्ति, यातायात, वाहन एवं होटल निर्माण हेतु उदार व रियायती शर्तों पर 2000 रुपये से 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। तो ये जो उद्यमी हैं अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के, उनको स्थायी संपत्ति के लिए, यातायात वाहन के लिए और होटल निर्माण के लिए उदार और रियायती शर्तों पर 2000 रुपये से 5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। इस ऋण की कुछ शर्तें हैं, जैसे आवेदक को तहसीलदार या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। तो सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है जो कि मजिस्ट्रेट या तहसीलदार के द्वारा जारी किया गया हो। इसके बाद जो ऋण का पुनर्भुगतान है वो 10 वर्षों में करना होगा। अन्य उद्यमियों की तुलना में इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में 2% कम ब्याज लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो ब्याज की राशि, ब्याज का जो प्रतिशत है वो 2% कम है। इसके बाद
शिल्प बाड़ी योजना है। दस्तकारों एवं शिल्पियों के विकास एवं अभ्युत्थान के लिए निगम ने शिल्प बाड़ी योजना को प्रारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत शिल्पियों के समूह को निगम वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। निगम द्वारा इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता भवन निर्माण, कार्यशाला, औजार और कार्यशील पूंजी के लिए प्रदान की जाती है। तो ये दस्तकारों और शिल्पियों के लिए है शिल्प बाड़ी योजना। इसमें भवन निर्माण के लिए, कार्यशाला के लिए, औजार और कार्यशील पूंजी के लिए जो ऋण है वो दिया जाता है। इसके बाद स्कीम फॉर मार्केटिंग सपोर्ट शोरूम्स या विपणन सहायता हेतु योजना शोरूम। इस योजना में एकाकी, साझेदारी, निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी के रूप में संगठित उद्यमी जिन्हें लघु एवं ग्रामीण उद्योग उत्पादों के विपणन का अनुभव है ऋण पाने के हकदार हैं। तो इसमें जो उद्यमी हैं जिन्हें लघु और ग्रामीण उद्योग उत्पादों के विपणन का अनुभव है उन्हें लोन दिया जाता है। इसमें जो परियोजना की लागत है वो 25 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जो परियोजना लागत है वो 25 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। प्रवर्तक अंशदान परियोजना लागत का 25% होगा। ऋण का पुनर्भुगतान 10 वर्ष की अवधि में किया जाना आवश्यक है। तो जो ऋण का पुनर्भुगतान है वो हमें 10 वर्ष की अवधि में करना है। ब्याज की दर 25,000 रुपये तक 12.5%, 2 लाख रुपये तक 15.5% और 2 लाख रुपये से ज़्यादा ऋण के लिए 17.5% वार्षिक होती है। तो ब्याज की दर अलग अलग है। अगर 25,000 रुपये तक का है तो उसके लिए 12.5%, अगर 2 लाख रुपये तक का है तो उसके लिए 15.5% और 2 लाख रुपये से ज़्यादा का है तो उसके लिए 17.5% की वार्षिक दर होती है। इसके बाद एक प्रकार का ऋण और है, वो है वर्किंग कैपिटल लोन या कार्यशील पूंजी ऋण। निगम कार्यशील पूंजी के लिए भी विशेष दशाओं में ऋण देता है। एकल खिड़की योजना में कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज की दरें निम्न अनुसार होंगी। तो ये जो ऋण है ये एकल खिड़की योजना या सिंगल विंडो लोन के अंदर आता है। इसमें जो कार्यशील पूंजी पर ऋण की ब्याज दर है इसमें निम्न अनुसार है, जैसे 25,000 रुपये तक के ऋण के लिए 12.5% वार्षिक, 25,000 रुपये से ज़्यादा किंतु 2 लाख रुपये तक के लिए 15.5% वार्षिक और 2 लाख रुपये से ज़्यादा के लिए 18.5% वार्षिक। तो 25,000 रुपये तक के ऋण के लिए 12.5%, 25,000 से 2 लाख तक के लिए 15.5% और 2 लाख रुपए से अगर ज़्यादा का है तो 18.5% ईयरली के या वार्षिक के हिसाब से इसमें ब्याज दर होगी। अब जो लोन एप्लीकेशंस हैं उनके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी एक चेकलिस्ट है या जांच सूची है, जिसे पूर्णतया भरा गया ऋण आवेदन पत्र एवं निर्धारित दर से शुल्क राशि, तो ये होना आवश्यक है। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, उत्पादन लागत का विस्तृत विवरण एवं व्यावहारिक प्रतिवेदन, अस्थायी पंजीयन, प्रवर्तकों संबंधी सूचनाएं, विनियोजित कोषों का विवरण, साख संदर्भ, 2 व्यक्तियों के नाम। अगला है विक्रय समझौते, भूमि आवंटन पत्र, प्रस्तावित स्थल का नक्शा। अगला है अनुमोदित भवन योजना। उसके बाद अगला है पिछले 3 वर्षों का आयकर विवरणी की प्रति। इसके बाद नेक्स्ट है प्रस्तावित भवन एवं मशीनरी के क्रय हेतु निविदाएं। इसके बाद अगला है सहायक संस्थाओं की 3 वर्षों की प्रगति की सूचना। उसके बाद है प्रक्रिया प्रवाह या संयंत्र अभिन्यास की प्रगति की सूचना। इसके बाद है सलाहकारों एवं प्लांट आपूर्तिकर्ताओं के लिए गए अनुबंधों की प्रति। तो ये सारी चीज़ें एक आवेदन पत्र के साथ होना बहुत ही आवश्यक है। अगर साझेदारी संस्था है तो उसके लिए साझेदारी अनुबंध और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, ये 2 चीज़ें होना आवश्यक है। और अगर कंपनी है तो उसके लिए पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम की प्रतियां, व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र और अंश व्यवस्था। तो ये 3 चीज़ें अगर वो कंपनी है तो उसके लिए ये 3 चीज़ें आवश्यक हैं और प्रवर्तक आवेदक के हस्ताक्षर।
तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं किसी भी ऋण के लिए जब हम आवेदन करते हैं निगम के पास, तो इनको एक बार जो आवेदन करता है वो जांच ले, देख ले और इन कागजों को पूरा करे, उसके बाद ही वो लोन के लिए एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई करे। तो ये हमने लोन देखे, इसके बाद जो अगले टाइप के लोन हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।